यूथ कांग्रेस की कमान मिलने के बाद विक्रांत भूरिया ने पिता कांतिलाल भूरिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। अनादि टीवी से खास बातचीत में कांतिलाल भूरिया ने कहा कि अब युवाओं को आगे आना है, उनको भी स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने आगे बढ़ाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया से बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। युवा कांग्रेस की कमान अब डॉक्टर विक्रांत भूरिया के हाथों में होगी। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत शुभकामनाएं। विक्रांत के हाथों में युवा कांग्रेस की कमान होगी। 7 साल बाद चुनाव हुए तो कैसे देखते हैं, क्या चैलेंज रहेंगे उनके सामने? बिल्कुल, सबसे पहले मैं युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर विक्रांत के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और एक ऐतिहासिक वोटों से जीता है। और विक्रांत अच्छे मैंने काम करेंगे और हमेशा उसमें विक्रांत युवाओं में लगा रहता है। हमने उनको प्रोत्साहित किया है और के ताकि युवाओं के साथ एक मिल के काम करें, कांग्रेस पार्टी मजबूत करें। और ये हमारा उनसे बात होती रही और आगे भी हमारी पूरी शुभकामना आशीर्वाद है कि इसी तरह से आगे बढ़ के काम करें और प्रदेश के युवाओं को एकजुट करके कांग्रेस को मजबूत करें, ये हमारी शुभकामना है। बधाई। सर, आपका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और जिस तरह से राजनीति बदल रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरह के सियासी दावपेच होते हैं, इनसे दूर रह के युवाओं की भलाई के लिए किस तरह से काम करना कितना मुश्किल होगा? नहीं, मुश्किल तो अब समय बहुत ही तेजी से बदल रहा है और कई प्रकार के अब लोगों में भावनाएं भी कई अलग अलग हैं और सब भी, तो अब ऐसी परिस्थिति में हमें सबको विश्वास में लेके काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिला है और प्रदेश को ईमानदारी से जाके काम करें, युवाओं को संगठित करें तो हमारे सबके बुजुर्गों सबका अपना आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। कमलनाथ जी, दिग्विजय जी और आप सभी चाहते हैं कि अब युवा आ गया नगरीय निकाय चुनाव नजदीक। कमलनाथ जी के भी आशीर्वाद उनको मिला, दिग्विजय सिंह साहब का आशीर्वाद मिला, हमारा भी मिला और सबका मिला है कि ऐसे करके मैंने आगे लोगों को जब तक बढ़ाएंगे नई पीढ़ी आएगी। भाई, हम लोग भी जब पहले अर्जुन सिंह साहब थे उस समय हमको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, फिर हमने संभाला और संभालने के बाद फिर हमारे अजय सिंह साहब है, दिग्विजय सिंह साहब है, सब ने अब उन्होंने हमने भी उनको आगे युवाओं को बढ़ाया, वो आगे बड़ी विरासत संभालेंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप चलता है तो सारे जो आगे आएगा काम अच्छा करेगा तो प्रदेश के युवा उनके साथ काम करेंगे और मदद करेंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी परिवारवाद के ऊपर फिर से आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चलता है वो नहीं बोलेंगे और सामने वाली पार्टी में अगर कोई आगे भाई बन रहे युवा, अगर मान लो पुराने कब तक चलेंगे, अब युवा को आगे लाना ही पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे दरवाजे सबको ला रहे हैं, युवाओं को सबको, और कांग्रेस जब लाती है, कांग्रेस से अपने युवा अपने खुद मेहनत करके और युवाओं में अपना विश्वास कायम करके आगे बढ़ते हैं तो उनको कह रहा कि परिवारवाद, ये सब मतलब भाजपा की मैंने एक कथनी और करनी का अंतर सामने दिखता है। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया के हाथों में अब युवाओं की कमान है तो वो युवाओं की बात को दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर भोपाल तक रखेंगे और जो बीजेपी आरोप लगा रही है तो बीजेपी पहले बताया कि क्या वो परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाती है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।